जय हिंद साथियों, आप सभी को पता होगा कि यूपीपीसीएल का उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपका यहाँ पे एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, 8 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर 2023 तक ये चलेगा। तो आप सभी को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आपका कितने किलोवाट का कनेक्शन होगा तो कितना छूट मिलेगा, कितना पैसा होगा तो कितना छूट मिलेगा, छूट किसको किसको मिलेगा, जो फ्रॉडस्टर हैं, जो चोरी से बिजली का उपयोग कर रहे हैं उनको भी छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए टू जेड पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जिनके पास नलकूप है, जो मोटर चलाते हैं, LMB 2 वाले, LMB 1 वाले, इन सभी जो कंज्यूमर को कितनी कितनी छूट मिलेगी और 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक कितने शिफ्ट बांटे गए, मतलब कितने पार्ट में आप लोग पैसे जमा कर सकते हैं, किस्त में जमा करेंगे तो कितना छूट मिलेगा, कितना आपको देना पड़ेगा, फुल पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको जेन्युइन और सही जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। अगर आपको यहाँ से OTS का फायदा लेना है, वन टाइम सेटलमेंट का फायदा लेना है, तो ये स्टार्ट हो चुका है स्कीम, एक मुश्त समाधान योजना। इसमें क्या है कि जल्दी आएँ और ज़्यादा छूट पाएँ। अगर आप जल्दी आएंगे तो आपको 100% सरचार्ज जो होता है, एरियर आपका होता है, वो छूट हो जाएगा। ठीक है, और जितना लेट करेंगे, जैसे कि 8 नवंबर 2023 से स्टार्ट है और ये 15 नवंबर 2023 तक एक पाली चलेगा। ठीक है, पहला वाला चलेगा, ठीक है, पहला चरण। दूसरा चरण जो आपका है वो स्टार्ट होगा कुछ दूसरे डेट से, तो सब कुछ मैं बताऊंगा कब से कब कब स्टार्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब सब लिखा हुआ है कि पंजीकरण स्वयं आपको UPPCL.org जो वेबसाइट मैंने ओपन किया उस पर जाके अथवा विभागीय कार्यालय में भी जाके आप करवा सकते हैं। उपभोक्ता को मूल बकाया का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। जो आपका मूल बकाया होगा उसको पंजीकरण राशि में 30% उसका जितना भी होगा सरचार्ज माफ होने के बाद, तो वो जमा करना होगा। फिर दोबारा पेमेंट करेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। अधिभार पर 31 अक्टूबर 2023 तक के बकाए पर दी जाएंगी। जो आपका अधिभार है, जो आपका सरचार्ज है, वो 31 अक्टूबर 2023 तक जितना आपका हुआ था उसी पर आपको छूट मिलेगा। बाकी 1 नवंबर से जो आपकी यहाँ पे जितना दिन चला है उस पर छूट नहीं मिलेगा। परंतु नलकूप के उपभोक्ताओं को यह छूट 31 मार्च 2023 तक के बकाए पर दी जाएगी। जो नलकूप के उपभोक्ता हैं, जो नलकूप वगैरह चलाते हैं, उनको 31 मार्च 2023 तक जितना उनका बकाया था उस सरचार्ज पे उनको छूट मिलेगी, उनको अधिभार में उतना छूट मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल हैं, LMB 1, LMB 2 वाले, ये सारे लोग, वो 31 अक्टूबर तक उनका अधिभार पर छूट मिलेगा। चोरी के प्रकरणों में भी निर्धारित छूट है। जो चोरी करते पकड़े जाते हैं, जो चोरी करके बिजली चलाते हैं, उनको भी यहाँ पे छूट मिली है। ठीक है, अब देख सकते हैं जो मैंने अवधि की बात की थी, प्रथम अवधि आपकी 8 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा, जिसमें 100% आपका जो सरचार्ज है, अधिभार है, उसका छूट होगा। दूसरी अवधि जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, इसमें भी 100% का छूट मिलेगा आपको। और तीसरी अवधि जो है वो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, इसमें आपको 90% तक का छूट मिलेगा, इसमें पूरा छूट आपको नहीं मिलेगा। यह योजना 3 चरणों या अवधि में चल रही है। ठीक है, बाकी OTS में पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे OTS पंजीकरण सामान्य प्रकरण पर क्लिक करना होगा। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब आएगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन पहले, वन टाइम सेटलमेंट आप देख सकते हैं, ऊपर OTS लिखा हुआ है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने की मिलेगी। आप लोग कहीं भी इधर उधर परेशान मत होइएगा। ठीक है, सब कुछ मैं बता दूंगा इसमें। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से सर्च करके क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने आगरा डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर लिया, गोरखपुर मैंने कर लिया, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे नीचे आपका जिला गोरखपुर आ जाएगा और यहाँ पे डिस्कॉम नेम आपका जो भी जिले से डिस्कॉम नेम होगा वो तुरंत आ जाएगा, PUVNL। ठीक है, पूर्वांचल विद्युत निगम वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल होगा, मध्यांचल होगा, पश्चिमांचल होगा, दक्षिणांचल होगा, ये सारे आपके यहाँ पे वितरण निगम लिमिटेड है विद्युत का, अलग अलग एरिया का। ठीक है, तो गोरखपुर जिला का ये आपका आ जाएगा, डिस्कॉम नेम आपका PUVNL आ जाएगा। आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं पता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि अपना नया अकाउंट नंबर कैसे पता करें, क्योंकि सबका अकाउंट नंबर मैक्सिमम चेंज हो गया है। तो नया अकाउंट नंबर शहरी और गाँव वालों को अलग अलग तरीके से बता दूंगा। बाकी वीडियो मैंने बना रखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वीडियो को देखिए, अच्छे से उसमें समझाया था कि आपको अकाउंट नंबर कैसे पता करना, रजिस्ट्रेशन भी कैसे करना है, इन सभी चीज़ों पर वीडियो बना रखा है। ठीक, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन होकर आएगा और उसमें लिखा होगा कि अगर आप इलिजिबल हैं, सरचार्ज आपका बहुत ज्यादा है, या फिर उस डेट के पहले का है जो मैंने डेट आपको अभी बताया, तो वहाँ पे लिखा होगा कांग्रेचुलेशन, आप OTS स्कीम के लिए, एक मुश्त समाधान योजना के लिए इलिजिबल हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप इसका फायदा ले सकते हैं। जो इलिजिबल नहीं होगा उसका यहाँ पे लिख किया कि वो इलिजिबल नहीं है। जैसा कि आपको दिखा दें,
जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक भाई का चेक किया था, वहाँ पे लिखा हुआ बधाई हो, आप एक मुश्त समाधान सरचार्ज माफ़ी योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं, इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे अपना नाम पता और अकाउंट नंबर वगैरह डालने के लिए देगा। वो सारी चीज़ें डालने के बाद आप चेक करेंगे, फिर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो दिखा। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए, अगर आपका 1 महीने का या फिर उस डेट के इधर का जो भी पैसा होगा, अगर आपने पहले पैसा जमा कर दिया था, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वन टाइम सेटलमेंट सरचार्ज वेवियर स्कीम। ठीक है, तो ऐसा दोनों चीज़ देखने को मिल सकता है। आप लोग पहले उतना चीज़ चेक कीजिए जो मैंने बताया है। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे अगर आप लोग लॉग इन करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने हाइड कर रखा है, नाम वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो विकल्प देखने को मिलेंगे, विकल्प वन, ऑप्शन वन जो है, और ऑप्शन टू। ठीक है, ऑप्शन वन ये है कि LPSC वेब ऐप, जो आपका अधिभार है, सरचार्ज है, लेट पेमेंट जो आपने किया था, ठीक है, बिजली बिल भुगतान का जितना भी सरचार्ज आपका मिला है वो इसमें माफ़ होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये क्या है कि इसमें भी वही चीज़ माफ़ होगी, इसमें पूर्ण पहले वाले में पूरा भुगतान के लिए दे रहा है, दूसरे वाले में आपको 12 महीने का इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त वाइज आपको पैसे देने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जिस भाई का मैंने यहाँ पे ओपन किया है, उनका भी बहुत ही कम अमाउंट था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम छूट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें समझ नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे LMB1 का ये कंज्यूमर है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इनका 31/10/2023, जैसा कि मैंने बताया 31 अक्टूबर 2023 के पहले और उतने डेट तक का जो मूल राशि इनका है 933 रुपया है। ठीक, और इनका जो सरचार्ज लगा हुआ है, ठीक है, जो एरियर बोलते हैं आप लोग, ठीक, वो आपका 18 रुपये है। तो इनका 18 रुपये अभी तक का हुआ था, तो ये इनका बस छूट होगा। ठीक है, 900 933 रुपये में से यहाँ पे इनको पंजीकरण के लिए इसका 30% जो होगा, 633 रुपये का 30%, वो 653 रुपये होंगे। ठीक, तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, पंजीकरण राशि है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका छूट 18 रुपये होगा और 280 रुपया रजिस्ट्रेशन पेबल अमाउंट है, जो कि पंजीकरण देय राशि है। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे पेमेंट करने जाएंगे, तो आपको 280 रुपये पहले देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका 280 रुपया देना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, आई थिंक ये 933 रुपया, ये इसका 30% 280 रुपया होगा, ये आपको देना जरूरी है। ये आप दे देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इस योजना के पहले चरण में या दूसरे चरण में या तीसरे चरण में जब भी आप करें तो उसमें रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। ठीक है, इतना अमाउंट देने के बाद, और बाकी ये अमाउंट जैसे आप दे देंगे 280 रुपया, तो 933 तो आपका पूरा अमाउंट है, 18 रुपया छूट हो रहा है, तो 933 में से 280 घटाएंगे तो आपका 653 रुपया यहाँ पे देना रहेगा। तो इसे भी आप लोग पेड कर देंगे। अगर बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, ठीक है, तो उन लोगों का 50-50 हज़ार, किसी किसी का 1-1 लाख रुपये तक का छूट हो जा रहा है। ठीक है, ये कम अमाउंट है तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जिसका ज़्यादा अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा छूट हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप किस्त वाइज जमा करते हैं तो 12 किस्त में, यानी कि हर महीने आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, हर महीने आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट किस्त जो है 55 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 रुपये का इसमें छूट होगा, क्योंकि 2 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। फुल पेमेंट करेंगे तो आपका अधिभार में मतलब 18 रुपये छूट होंगे। ये तो कम अमाउंट का मैं दिखा रहा हूँ, अभी आपको ज़्यादा अमाउंट का भी दिखा दूंगा कि कितना छूट होता है। ठीक, और यहाँ पे 280 रुपये रजिस्ट्रेशन का इसमें भी लग रहा है, और 655 रुपये आपको यहाँ पे टोटल देने हैं। ठीक है, 55-55 रुपये करके 12 महीने तक, 280 तो अभी जमा कर देना आपको। ठीक है, इसको अगर आप करना है तो सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से, UPI से, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप लोग कैसे यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ का मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखाया। ठीक है, आप किसी भी डिवीजन से हो, किसी भी निगम लिमिटेड से हो, ठीक है, मध्यांचल हो, पूर्वांचल हो, या फिर दक्षिणांचल हो, या पश्चिमांचल हो, ठीक है, आपका यही प्रोसेस है, यही चीज़ें हैं। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने का कुछ इस प्रकार से प्रोसेस है, पे योर प्रोसेसिंग फीस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट इन किसान भाई का, इन दोस्त का, यहाँ पे 3056 रुपये, यानी कि 3056 रुपये जो 30% आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है वो तो देना ही देना है। और ये आप लोग परेशान मत होइएगा कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट अलग से लग रहा है, जो आपका छूट होने के बाद जितना पैसा आपको जमा करना है, ठीक है, उसमें से 30% आपके मूल राशि, प्रिंसिपल राशि से 30% आपको रजिस्ट्रेशन के समय पर ही दे देना है। बाकी जो आपका मूल राशि है और जितना रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा कर रहे हैं उसमें से घटाएंगे, तो जो पैसा बच रहा है वो पैसा आपको देना है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। आपका सरचार्ज में जितना छूट है उतना ही होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए, सारे कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, जिस भी प्रॉब्लम पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक और लोगों का निकाला है, और यहाँ पे 3610 रुपये इनके टोटल हो रहे हैं, जिसमें से 154 रुपये का इनका छूट हो रहा है सरचार्ज में। ठीक है, तो 154 रुपये का छूट हो रहा है, और 3610 रुपये का 30%, 1083 रुपया होता है। तो ये इनको रजिस्ट्रेशन के समय पर देना होगा, अगर एक बार में पूर्ण भुगतान कर रहे हैं तो, और अगर आप किस्त में भुगतान कर रहे हैं तब भी आपको 1083 रुपये रजिस्ट्रेशन के तौर पर देना होगा। तो आप लोग ये परेशान मत होइएगा कि जो रजिस्ट्रेशन के समय पैसे दे रहे हैं वो अलग से लग रहे हैं, वो अलग से नहीं लग रहे हैं। आपका 154 रुपया तो छूट होगा ही होगा यहाँ पे, ये छूट है। ठीक है,
1,083 रुपये आपका मूल राशि 3,610 का 30% आपको रजिस्ट्रेशन के समय पर ही दे देना है, ये बात समझिए आप लोग। बाकी जो पैसे बच रहे हैं 3,610 में से 1,083 घटाएंगे तो 2,527 रुपये बच रहे हैं, ये पैसे आपको बाद में पेमेंट कर देने हैं, आपका पूर्ण भुगतान हो जाएगा, आपका यहाँ पे 154 रुपये का ही बस इसमें छूट हुआ है, ठीक है। तो आप ये 2,527 रुपये और 1,083 जोड़ेंगे तो 3,610 ही रुपये आएंगे। बाकी इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो आपको यहाँ पे पूर्ण भुगतान में 154 रुपये का छूट हो रहा था, तो इंस्टॉलमेंट पर आपका 139 रुपये का छूट हो रहा था। आप लोग डिफरेंस देख लीजिए कि महीने वाइज अगर पेमेंट करते हैं तो कितना घाटा हो रहा है और पूर्ण भुगतान करेंगे तो कितना फायदा हो रहा है, तो ये आपके ऊपर आप लोग अपना देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को डाउट होगा तो इनका जो पैसा था ना 42,000 कुछ रुपए है इनका, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका प्रिंसिपल अमाउंट जो देना है इनको 39,275 रुपए इनको जमा करने हैं, और इनका छूट हुआ है 2,944 रुपए का छूट इनका हुआ है, ठीक। तो 2,944 रुपए तो इनको नहीं देना है, बाकी 39,275 रुपए का 30% अगर निकाला जाए तो 11,783 रुपए ये रजिस्ट्रेशन के समय पर इनको जमा करना है। ये जैसे जमा करेंगे तो इनका ये क्लियर हो जाएगा कि 8 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। जो भी अवधि है उस अवधि के बीच में तो आपको 100% यहाँ पे छूट मिलेगा, जितना आप अगर तीसरे अवधि में कराएंगे तो आपको परसेंटेज कम मिलेगा, पूरा छूट नहीं मिलेगा। बाकी आपको फिर बाद में 27,493 रुपए रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये भी जमा कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, वहां पे कोई पैसे आपके नहीं दिखाएंगे, ठीक। आप लोग यहाँ पे 27,493 रुपए और 11,783 रुपए दोनों को जोड़ेंगे तो 39,275 रुपए होंगे, ठीक है। तो ये पैसे आपको देने ही देने हैं, बशर्ते ये है कि रजिस्ट्रेशन के समय पर ही आपको इसका मूल राशि का 30% ले लिया जा रहा है, बाकी जो 70% अमाउंट बच रहा है 27,493 रुपए ये आपको बाद में भी जमा कर सकते हैं उस डेट के अंदर। बाद में जमा करने का मतलब ये नहीं कि जो स्कीम चल रही है जो अवधि है उसके बाद जमा करें, उसी डेट के अंदर जमा करना है। बाकी आपका इनका 2,944 रुपए का छूट हुआ है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं वही किसान वही भाई ये हैं और किसान भाई हैं, इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 42,219 रुपये, ठीक है, इतना रुपए। तो यहाँ पे पेमेंट में छूट बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, आप लोग घबराइए नहीं, जिसका बहुत ज़्यादा पैसा उनका अच्छे तरीके से 100% सरचार्ज में छूट हो रहा है। अगर आप जैसे मान लीजिए दूसरी अवधि में नहीं, आप तीसरी अवधि में अगर कराते हैं तो 90% छूट होगा, आपका जो सरचार्ज में छूट हो रहा है अधिभार में वो कम छूट होगा, ठीक है। इससे बढ़िया आप पहले ही करा लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेलेक्ट करके रख लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार एक मुश्त समाधान योजना OTS 8 नवंबर से 31 नवंबर चल रहा है, ये 13 नवंबर 2023 का अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट। यहाँ पे बिजली विभाग से संबंधित कार्य एवं योजना है, ठीक है, कौन कौन से योजना कार्य चल रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि OTS स्कीम जो है पहले आओ पहले पाओ का स्कीम है, इसमें शत प्रतिशत यानी कि 100% आपका यहाँ पे सरचार्ज या अधिभार में छूट हो रहा है, और 12 किस्त में भरने का भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, पूरा भुगतान भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से किसानों के नलकूप के बिल पर संपूर्ण माफी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 31 मार्च 2023 तक उसके पहले की बाकी रकम पर यह योजना लागू होगी। यहां पे बिजली चोरी या अन्य आपराधिक मामलों में कुल देय रकम पर 65% की छूट देते हुए OTS में कहा गया कि इस योजना में जुड़ने पर ऐसे सभी FIR निरस्त किए जाएंगे जो इनके ऊपर FIR वगैरह लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिजली चोरी वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, 65% का छूट भी मिल जाएगा OTS में और आपके सभी FIR रद्द भी कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और यहाँ पे अगर आप OTS स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि नलकूप वालों को अगर 12 किस्त में आप जमा करते हैं तो कितने सब्सिडी मतलब छूट होगा आपका, जो सरचार्ज में कितना छूट होगा, कितना अमाउंट आपको पे करना है। अगर पूरा भुगतान करना चाहते हैं नलकूप वाले तो कितना सरचार्ज में छूट होगा और कितना पे करना है। निजी संस्थान या औद्योगिक श्रेणी के जितने भी लोग हैं, फिर घरेलू या वाणिज्यिक हैं, पहली अवधि में कितना छूट मिलेगा, दूसरी अवधि में कितना मिलेगा, तीसरी में कितना मिलेगा और किस्त वाइज में कितना छूट मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। पूरा ऑफिशियल आपको PDF फाइल ओपन करके UPPCL का ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से आपको सारी अपडेट देंगे। एक वीडियो में पूरी जानकारी देना बहुत ही मुश्किल है और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होप कि आपने यहां तक वीडियो देखा होगा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, कृषि हब फेसबुक पेज को, और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट अच्छा सा कर दीजिए। चैनल पे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही धमाकेदार बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आपको पूरा अच्छे से समझाने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें, एक वीडियो में ये क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, जय जवान।